अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सिचुएशन पे। पाकिस्तान की मईशियत कहाँ खड़ी हो रही है, इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रही हैं। अगर हम बात करें ज़रूरियात ज़िंदगी की, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की, अगर हम बात करें सब्ज़ियों की, फलों की, फ्रूट की, और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, और अगर हम बात करें घरों की, स्टॉक मार्केट की, डॉलर की, तो आज जो है वो डॉलर में कुछ कमी वाकई हुई है, लेकिन डॉलर जो है वो बहुत तेज़ी से शूट किया है। जहाँ डॉलर 165 और 150 में खड़ा था, तो आज इसी एक अरसे की पीरियड में या डेढ़ साल के अरसे की पीरियड में जो है वो डॉलर जो है वो 239 रुपीस पर आके खड़ा है। पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन के बाद कहाँ जा रहा है, क्या पाकिस्तान मजीद इन तबाहियों को बर्दाश्त करने के काबिल है जो हमारी हुकूमत हमारे सामने लाकर खड़े कर रही है। साथ ही हम बात करेंगे आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिरने के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमत अब तक क्यों नहीं कम हो पाई, क्यों कमी पेशी ना हो पाई। साथ ही जुलाई में सबसे ज्यादा FBI ने टैक्स वसूल किया है, लेकिन इसके बावजूद मजीद टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है, तो आवाम इस टैक्स का बोझ कब तक बर्दाश्त कर सकती है और किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे एनालिस्ट असद महमूद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूंगी, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, बेयकीनी की सूरत हाल है, लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट करना जो है वो छोड़ दिया है, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन किन हालात में बेहतर हो सकती है? अगर सियासी हम आहंगी हो जाए, बैठ के बात कर लें, डायलॉग्स कर लें, तो सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती है? आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो अपोजिशन है, वो आपस में बैठ के टेबल पर डायलॉग्स कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, मैं यही कह सकता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी है, अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क के अंदर एक जिसको कहते हैं एक अफरा तफरी की सूरत हाल आपको नजर आए, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की शक्ल में एक लिहाज से आपके सामने हो, तमाम स्टेक होल्डर्स और इवन पोलिटिकल पार्टीज की स्पेशली अगर आप बात करते हैं, वो स्वाय जिसको कहते हैं कि दशनाम तराजी के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, एक दूसरे पे इल्जाम के, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने के, बाकी आपको कोई चीज नजर ना आए। इट इज नॉट ओनली, मैं ये कहूंगा क्योंकि एक पार्टी कर रही है, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अच्छा, फिर एक चीज ये देख लें, पंजाब और KP में PTI है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है पिछले 14 सालों से, और वहां पे मिक्स सिलसिला है बलूचिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर और AJK के अंदर जो है वो PTI है, सेंटर के अंदर आप नून लीग को देखते हैं, एक तो ये है। अच्छा, ये तीनों चारों अदर देन PTI आप कह तो सकते हैं कि शायद ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बट इन देयर हार्ट दे आर नॉट विद ईच अदर। ठीक है, अब अच्छा एक ये होता है, दूसरी जब किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अच्छा फिर बरामदात कम हो जाए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए, अच्छा फिर आप ये भी देखें कि जो पिछले चंद महीनों से जो सूरत हाल देखी है, ओके जी नई जो गवर्नमेंट आई है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि उन्होंने करना क्या है, दे हैड नो प्लान्स, कोई टीम नहीं थी ऐसी कि वो, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस जगह पे इस मुल्क को छोड़ा गया था, फॉरेक्स सब को छोड़ा गया था, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज चल रही थी, तो ये सूरत थी। और 6% का जब GDP का ग्रोथ भी क्लियर से आ रहा था, देयर वर ऑल द चांसेस कि कोई समझदारी के साथ, को मिलजुल के अगर ये बेहतरी की तरफ चलते, लोगों का ये ध्यान करते, तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती, लेकिन ये फिर ब्लैकमेल होते चले गए। IMF के हाथों अगर आप देखते हैं, IMF को ले लीजिए, अच्छा फिर इन्होंने बिजली इस कदर महंगी कर दी कि इलेक्ट्रिक का सिचुएशन तो आपके सामने है, कराची के अंदर परफॉर्मेंस क्या है, बिलिंग क्या है, आप गेज कर सकते हैं उसको। अच्छा, गैस की प्राइसेस इतनी, नेचुरल गैस की प्राइसेस उन्होंने इतनी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल सर्टली जब इनका कोई कोई शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं थी, तो डॉलर इनके हाथ से निकल गया। जब डॉलर बेमाहवा बढ़ना शुरू हो गया, तो हर चीज को एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि महंगाई को पर लग गए। जब किसी भी मुल्क के अंदर ये इस कदर खराब सिचुएशन हो, तो आप मुझे ये बताइए ना कि बाहर के लोगों को तो छोड़ें, जो अंदर के लोग हैं, ये मुल्क के लोग हैं, इवन वो भी मैं समझता हूँ कि हर तरह से अगर उन किसी के पास पैसा हो तो साइड पर रख लिया कि दिस इज नॉट द टाइम दैट दे शुड कैरी आउट द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर लोग जो है
उन्होंने डॉलर खरीद के रखा कि ये डॉलर महंगा हो रहा है, कि दिस इज नॉट द वे। थोड़ी सी एग्जांपल तुर्की की आप दे लीजिए, तुर्की में भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि टर्किश लीरा जो है वो बहुत नीचे चला गया था, डॉलर बड़ा ऊपर चला गया था, बट फिर हुआ ये कि नेचुरली टर्किश प्रेसिडेंट की अपील के ऊपर लोगों ने जिस तरीके से डॉलर मार्केट के अंदर फेंके तो सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट। मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो आपके क्वेश्चन का जो क्रक्स है तो उसका जवाब एक आता है कि टिल सच टाइम ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स, पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये अपने जाती मफादात से हट के नहीं खड़े होते सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नहीं सोचते, अपनी एक इज्जत नफ्स होती है आप उसका नहीं देखते, खुद ही का नहीं देखते, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये कहेंगे कि नहीं कोई मुआवजा हो जाएगा और चीजें को ठीक हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो कह सकता हूँ कि अगर आप ज्यादा दूर ना जाए ना, अगर आईक्यू लेवल का इनकम कंपेरिजन जाए इंडिया बांग्लादेश के साथ, मैं सिर्फ दो मुल्कों की एग्जाम्पल दूंगा, और आप ये देख लीजिएगा कि आईक्यू लेवल के अंदर पाकिस्तानी उनसे बेहतर आते, एक आम पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब ये सारा कुछ तो है तो इसका मतलब है कि इस मुल्क की जो इलीट लॉट है दे आर दी वन जो कि इस सारी प्रॉब्लम का बायस है, दे आर दी वन जो कि मुल्क का नहीं सोचते, पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का नहीं सोचते, ये सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ अपना अपने अपने फैमिली का अपने अफराद के तहफ्फुज़ का सोचते हैं, बाकी कोई चीज इनके जहन में नहीं आती। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा महक, इन सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर आई डोंट थिंक सो कि हम इस क्वगमायर में से, इस मुश्किल में से बाहर आ सकते हैं, अनलेस कि मैं ये समझता हूँ कि अगले 60 to 80 days की इन बिटवीन अगर ये इलेक्शंस का अनाउंस करते हैं, लेट इट बी देन विल ऑफ द पीपल, ठीक है सर, इसको लेकर आते हैं किसको देते हैं। जी सर, अगर हम बात करें कि आवाम की भी, तो हमने एक वो नहज भी देखा था जब कोविड था और लोगों ने जो है वो अपने घर में राशन जमा कर लिया था और राशन की शॉर्टेज पड़ गई थी, तो फिर अगर हम बात करें कि जैसी आवाम वैसा इक्तदार में भी वही लोग बैठे हैं। अभी हम बात करें कि पेट्रोल की, अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की जानिब देखते हैं, दीगर चीज़ों की जानिब देखते हैं, जो ज़रूरत है रोज़ की, आवाम की रोज़ की ज़रूरत है, वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस के लिए आवाम रो रही है, लेकिन आलमी मार्केट में कमी होने के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हो रही है। अगर ये 3 रुपए कम करते हैं तो 11 रुपए अगले दिन बढ़ा देते हैं। सर आवाम क्या करें, आवाम पर ही परेशान है, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए क्यों नहीं सोच रही हुकूमत, कोई इकदाम क्यों नहीं लिया जा रहा? लेकिन पहली बात मैंने आपसे अर्ज की ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो लोग रन कर रहे हैं इनके बारे में मशहूर ये था कि ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, ये बड़े बेहतर तरीके से मुल्क की इकॉनमी को चलाएंगे, एंड दे केम विद दिस प्रॉमिस कि जी ये तो पेट्रोल को 100 रुपए पे लेकर आएंगे, डॉलर को उन्होंने 150 के इर्द गिर्द रखना है, ये कुछ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना इनकी कोई टीम थी ना इनका कोई प्लान है, ये बिल्कुल आए इकतदार पे इन्होंने कब्जा किया और उसके बाद इन्होंने लूट मार शुरू कर दी। प्रैक्टिकली मैं आपसे ये बताऊं, अगर लूट मार के लिए चलो जी आप देखें पर 22 अरब डॉलर के थे फॉरेक्स रिजर्व, तो वो उठा के भी 9 अरब नीचे चले गए, तो ये इसका मतलब है कोई ना कोई तो जिम्मेदारी एक लिहाज से है। अच्छा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल ऐसा ही है, नेशनल मार्केट के अंदर अभी जो पेट्रोल है वो $100 से तो नीचे आ गया हुआ है, इन्होंने कीमतें एक लिहाज से वो रखी है। वाई के सो बिकॉज अगर इन्होंने 4 महीने अभी पूरे नहीं हुए और 4 महीने के अंदर इन्होंने डॉलर की कीमत को 172 से लेके तो 240 तक लेके चले गए, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये लोग कोई डिलीवर कर सकेंगे, सो दे हैव प्रूव टू बी टोटली फेल्योर। और साथ ही मैं आपसे बताऊं इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड का भी है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो लूट मार का है, बाहर जायदादें खरीदने सारा कुछ करना, तो इनका भी एक्चुअली जिसको कहते हैं ना कि वो बैलेंस शीट इतनी हैवी है कि दुनिया के जितने ममालिक हैं वो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो मैं ये समझता हूँ इस सारे मामले के अंदर इस चले आप पिछली हुकूमत को छोड़ देना जी, उनका बड़ी महंगाई होगी सारा जो कुछ भी है, तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये पिछली हुकूमत की तो हम चलो कोई बात नहीं करते, ये इस हुकूमत बात करते हैं। पिछले 4 महीने के अंदर मैंने देखा कि वो तमाम लोग जो कुछ बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे, इवन उनके चेहरे उतरे हुए हैं, किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर नहीं आती है, परेशानी के अंदर एक लिहाज से देखते हैं, एंड देर नॉट मतलब एक लिहाज से वो है कि कल क्या होना है, इसके बाद आने वाला टाइम क्या एक लिहाज से होगा, हम एक स्टेट ऑफ फियर के अंदर हम तमाम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ लोग हैं वो रह रहे हैं, एंड व्हाई बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्री। तो ये वजह भी एक लिहाज से है। फिर दूसरी चीज आती है,
किसी किसी स्पेशली मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, दे नेवर थॉट ऑफ इट कि जी नहीं अच्छा इन्होंने कीमतें कम करनी है, पेट्रोल की कीमतें कम करनी है, बल्कि सो मच सो मुझे अच्छी तरह याद है फैसलाबाद के अंदर जिस तरह के ऑर्डर्स थे मुख्तलिफ ये जो मिलें चल रही थी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही थी उनके ऑर्डर कम होना शुरू हो गए, लोग बेरोजगार एक लिहाज से होना शुरू हो गए। तो पिछले चार महीनों के अंदर तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई का, बेरोजगारी का, लोगों के ऊपर जुल्म जबर का। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी हुकूमती इदारा अगर आप ये कहें कि उस तक कोई दादरसी है, उस तक कोई पहुंच सकता है, वो कोई इंसाफ दे सकता है, नहीं ऐसा भी कुछ नजर नहीं आता पाकिस्तान के अंदर। सारी सिचुएशन के अंदर तो देखे ना हालात तो वो बेहतर नहीं हो सकते। फिर जो सबसे एक और भी बड़ा फैक्टर मैं आपसे बताऊंगा, हमारे यहाँ वो तबका जो कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, एनालिस्ट जो बैठते हैं वहां पर, जो एंकर्स बैठते हैं, और एंकर्स वो जो अपने आप को कहते हैं जी कि हमसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी अपने आप को ये बारिंग फ्यू जो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि बिके हुए लोग हैं, मतलब अब तो लिफाफा साफी कहना मेरा ख्याल है अगर किसी को कहते हैं तो वो फख्र महसूस करता है कि नहीं भी आई हैव अ वैल्यू और मुझे लिफाफा दिया जाता है। मतलब एक चीज होती थी, एक सहाफत की बात होती थी कि जिसके अंदर कोई सच्चाई होती थी, कोई गहराई होती थी, कोई लोगों के दुख दर्द का कम्युनिकेट करने का होता था, वो सारी चीजें तो नजर नहीं आती। अगर आपको याद हो जब डिफाइन कर रहे होते अपनी पार्टी को, जी जी पिछली हुकूमत थी तो कहते थे बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, अब नो इस रजीम को कहते हैं कि नहीं जी इनको मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। व्हाई इट इज सो, बिकॉज मेरा आपका पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो इन मीडिया हाउसेस को जा रहा है, तो मीडिया हाउसेस का तो नैरेटिव एक लिहाज से कुछ और आता है ना। ठीक है सर, हमारी सिचुएशन सही कैसे हो जब हमारे वजीर आजम का बेटा ही इश्तिहारी इस मुल्क में करार दे दिया जाए, जब हमारे मुल्क की मनी लॉन्ड्रिंग इतनी हो कि हमारे पास पैसे ना हो, हमारे पास रिजर्व खत्म हो जाए। अभी जो है वो जुलाई में हद से ज़्यादा टैक्स वसूल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर और टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करें कमर्शियल पर्पज़ की, तो वहाँ पर भी 6,000 रुपये का टैक्स जो है वो लोगों पर थोप दिया गया है। दीगर चीज़ों में भी टैक्स जो है वो लोगों पर लागू हो रहे हैं। अगर हम ऑटोमोटिव की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो वहाँ भी जो है वो गाड़ियों की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो अफोर्ड कर सकता था वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या होगा सर, आगे की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अब नज़दीकी पाकिस्तान की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? कहें अगर हम कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट के दहाने पर आके खड़ा हो गया है, तो वहाँ भी जो है ये हमें कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन लोगों को पाकिस्तान को नहज में लाने के लिए कोई अफसोस नहीं है। अभी भी वही हरकतें हैं, वही लूटा क्रेसी हो रही है, वही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मैं बिल्कुल आपको मैं सेकंड करता हूँ। आप जिस तरह के ख्यालात का इजहार कर रही हैं, देखिए एक मैं आपसे बताऊँ, एक तो प्राइम मिनिस्टर को ले लें और साथ ही इसके वजीर खजाना को ले लें और फिर इंटीरियर मिनिस्टर को ले लें, दे ऑल आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल आई वुड से। ठीक है, जहां तक वजीर ओके दाखला है वो तो क्रिमिनली करप्ट आदमी है ना, मतलब वो तो मुजरिम आप उसको कह लें, सारे लोग भूले नहीं है जो कुछ मॉडल टाउन के अंदर हुआ था। मिर्ता इस्माइल को देख रहे हैं, मतलब इतना नॉन सीरियस आपने फाइनेंस मिनिस्टर शायद ही पाकिस्तान की तारीख के अंदर देखा होगा। सच अ शेमलेस पर्सन कि जब ये पेट्रोल की कीमतों का तस्करा कर रहा था और हंसते हुए कहके लगाते हुए कह रहा था कि पेट्रोल तो और एक लिहाज से महंगा होना जा रहा था, ये बेशरम आदमी, इसको किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही इसका बेटा है जो कि इश्तिहारी है पाकिस्तान के अंदर, वो वहां बैठा था जब ये तुर्की से दौरा किया। तो आप मुझे ये बताएं ना, तुर्की वाले इसको किस तरह की एक लिहाज से इज्जत दे सके? मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बदकिस्मती है मैं आपसे बताऊं कि ऐसी चौके जो है वो जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शक्ल के अंदर इस मुल्क चिपकी हुई है, खून निचोड़ रही है। मैं आपसे ये बताऊं, मुझे तो हैरानी उन लोगों के ऊपर होती है जो वाकई ये 30-40 साल से ये लोग इख्तियार के अंदर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी इनको लोग फॉलो एक लिहाज से करते हैं। मैं तो ये समझ आती है कि या तो इनसेनिटी की बात आती है, पागलपने की बात आती है, जिनको कुछ समझ नहीं आती। आर फॉर दैट मैटर ये वो लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं, इनसे फायदे उठाते हैं, वो उनके पीछे हैं। आम आदमी को तो उन्होंने पीस कर रख दिया। सिंध की हालत देखें, जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया पिछले 14 सालों के अंदर, कराची, हैदराबाद, शहरी इलाकों के साथ सिंध का दही इलाका भी उतना ही मिजरेबल कंडीशन के अंदर है जितना इसका शहरी इलाका है सिंध का। तो पीपल्स पार्टी तो देखें, जब मैं अगर शाजिया मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख रहा था, मुझे हैरानी हो रही थी कि ये किस तरह की औरत और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। एंड लाइक वाज मरियम औरंगजेब को देख रहे जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। I'm really surprised the type of people who are there at the helm of affairs and they're ruling this country, they are ministers in different capacities and see the language. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इन सब के होते हुए, to be very honest, ये जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, मुझे तो नहीं यकीन आता कि कोई ऐसी कुछ बेहतरी की सूरत निकल सकती है। हाँ, एक जिस तरह आपने कहा जी कि महंगाई
खुराकी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं भी एक ये तो आप कह सकते हैं कि शायद इन्होंने सारी शराय तो पूरी कर दी, मतलब जो ऊंट की कमर पे आखिरी दिन का भी रख के पाकिस्तानी कौम को बिठा दी उन्होंने, नो IMF से इसके जी नहीं हम आपको, इन्होंने आपकी शर्तें पूरी कर दी जैसे जी की इन्होंने पाकिस्तान ने हमारी कंडीशनैलिटीज जो है वो पूरी कर दी भी है, पेट पे हम रिम्बर्स कर सके उनको 1.2 बिलियन। लेट्स सी अब इसके बाद नेचुरली जो बाकी दुनिया के जो मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिक के साथ डील कर इकॉनमी के साथ डील करने वाले मुख्तलिफ इदारे होते हैं, द टू आर गोइंग टू बेसिकली आप अपने लोन के डिस्पर्समेंट के ऊपर जाएंगे, लाइकलीहुड है कि चीजें इम्प्रूव कर जाए बिकॉज आज डॉलर 11-12 रुपए नीचे आया है, कल हम इसके अंदर और नीचे आएगा। जो सबसे हीनियस और क्रिमिनल रोल प्ले किया है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो मोटर साजी हो रही है, जिसको कहने को मोटर साजी हम कहते हैं, चाहे सुजुकी की बात करें और स्पेशली होंडा और ये इसके टोयोटा की बात करें, आप यकीन माने इन तीन कंपनियों ने पाकिस्तानियों का खून निचोड़ लिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी जो वो इंडस्ट्री जो डील करती है, मिनिस्ट्री जो है इन तीनों इंडस्ट्रीज के साथ ये सारे मिले हुए हैं, उनको करोड़ों रुपए देते हैं। आप ये देखें ना, अगर होंडा की कीमत उठा के ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए पे ले गए, लाइक वाइज इसी के साथ जिस तरीके से हुआ टोयोटा में और फिर सुजुकी के अंदर, सुजुकी ने स्पेशली मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से अरबों ने खरबों रुपए एक गिलास ये लूट के लेके चले गए, कमा के लेके चले गए हैं। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि अल्लाह करे ये वाकई सुजुकी और टोयोटा से तुम्हारी जान छूट जाए, ये लोग चले जाए यहाँ से, मेरी सिचुएशन आप बेहतर हो तो एक गिलास से देखें। और दूसरी चीज हमारी हुकूमतों ने भी ना बहुत जिसको कहते हैं कि इंतहाई जिसको मुजरमाना किरदार एक लिहाज से अदा किया। आप कराची के अंदर देखें जिस तरह गाड़ियां आप देखते हैं, मोटरसाइकिलें जो है वो लाखों की तादाद के अंदर मौजूद है। अगर आपने मास ट्रांजिट का कोई बेहतर सिस्टम किया हुआ होता तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट और रोड की सिचुएशन भी बेहतर होती। जी बिल्कुल ठीक है। 60s और 70s के अंदर यहाँ पे डबल डेकर बसें चला करती थी, ट्राम चला करती थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम। आबादी उस वक्त भी ज्यादा थी पाकिस्तान के मुकाबले में, दूसरे शहरों के मुकाबले में, स्टिल इट वाज मैनेजेबल। भाई अगर शहर बड़ा है तो इसका मतलब है आपके रिसोर्सेज भी बड़े, आपके जराये भी बड़े, आपके पास पैसे भी ज्यादा है, जब सारा कुछ आया तो नेचुरली इस तरीके से काम करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की जो करप्ट तरीन हुकूमत है, जो कि सिंध को जिसने दोनों हाथों से लूटा खसूटा है, अनफॉर्चुनेटली दे आर द वन जो कि कोर इशू है, और ये किसी सूरत के अंदर भी ना इकतदार छोड़ना चाहते हैं, ना सिंध के शहरी इलाकों का, ना दही इलाकों का कोई ख्याल रखना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। और विद एवरी पासिंग डे हम सिंध को डिग्रेडेशन की तरफ जाता हुआ देखते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर सिटीज और अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जी असद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर हो जाए कि वो अपने लीडर को खुद चूज कर सके कि कौन उनको बेहतर लीड कर सकता है और पूरी दुनिया में लाकर एक बेहतर मकाम पर खड़ा कर सकता है। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। मजीद प्रोग्राम्स और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सहेल को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।